अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम मैदा डालेंगे और उसको छान लेंगे अच्छी तरह। और अब हम मैदे में यीस्ट डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। चीनी को हमने पीस लिया था वो डाल देंगे, तकरीबन 2 चम्मच चीनी। अब इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें 1 कप दूध डाल देंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डाल दें या घी डाल दें, देसी घी एक ही बात है। अब इसके अंदर पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे डो को। चित्रा गूंद लेंगे इसको। आखिर में हम दोबारा कुकिंग ऑयल लगाएंगे।
थोड़ा सा और फिर इसको बंद कर देंगे। डो को हमने गूंद लिया है, इस तरह हम इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए, फिर हम इसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को मसाले डालेंगे, दही डालेंगे, तीन चम्मच येवले, सुर्ख मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, एक चम्मच पूरा भर के नमक डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे। टिक्का मसाला डालेंगे 1 चम्मच, अब इन सब को मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डाल देंगे, तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, फिर हम चिकन डालेंगे ताकि फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई में चिकन डालेंगे, चिकन डाल देंगे, कढ़ाई में चिकन डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह हम पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओवन को गर्म करने के लिए ओवन का चूल्हा डालेंगे और 10 से 15 मिनट तक हम ओवन को गर्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो टिक्की हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह पेड़ा कर लेंगे हम और फिर बेलचे की मदद से बेल लेंगे। ट्रे में मैंने पहले ही ऑयल लगा दिया था, तो रोटी को रख देंगे।
अब पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे शांगरीला की। और फिर अच्छी तरह सारे पे लपेट देंगे। चिकन डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीज़ डालेंगे, और हम इसको ओवन में रख दें। ओवन खोलेंगे, माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बन गया है। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी वक्त पे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह कितना प्यारा बना है।